जन्मदिन को कितना खास तरीके से मनाते हैं, जैसे पिछली बार आप हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो इस बार के जन्मदिन को किस खूबसूरती के साथ आपने मनाया है? पिछली बार कोरोना था, इसलिए हमने मरीजों के बीच में हमने मेरा जन्मदिन मनाया था। हम सब थे, आप भी थे। उस वक्त लोगों के अंदर ऐसा था कि कोरोना हुआ है लोगों को, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्मदिन हम हॉस्पिटल में मनाएंगे, इसलिए हमने हॉस्पिटल में मनाया था। इस बार अब कोरोना थोड़ा चला गया है तो सोचा लोगों के साथ एक गेट टुगेदर हो जाए, इसलिए मैंने अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाने का सोचा। हमारे जो वेल विशर, मतलब हमको जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हमारे सीनियर लोग हैं राष्ट्रवादी के, उनके साथ मनाने का सोचा, इसलिए हमने आज जन्मदिन का प्रोग्राम। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं, सभी सबसे पहले आपको विश बधाई देना चाहते हैं, तो ये प्यार देख कर कितनी खुशी मिलती है? बहुत ही खुशी मिलती है, प्यार देख के किसको खुशी नहीं होगी। तो खुशी आज मुझे मिल रही है कि इतने लोग अपने पीछे चाहने वाले लोग हैं, तो आनंद आनंद हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं की तरफ से ये सरप्राइज रखा गया पार्टी, बर्थडे पार्टी आपका, आपको उम्मीद थी कि इस लेवल का बर्थडे पार्टी मनाएंगे कार्यकर्ता? नहीं था। हमारे जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी, हमारे पुजारी साहब, मेरे सहकारी जिला जी हैं और हमीद खान भी है, तो ये लोग सब लोग ने बोला कि आज पार्टी बहुत ज़ोरों से होनी चाहिए, तो ये लोग ने क्या किया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ आके अचंभा हो गया कि भाई कुछ अच्छी पार्टी हुई है आज। तो आज 60 साल पूरे हुए आपका और 61वां में आपने कदम रखा। क्या कहना चाहेंगे 60 साल पूरे कैसा रहा सफर 60 साल? ऐसे तो ऐसे लगता था कि चलो कहीं लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब लाइन में खड़ा नहीं रहूँगा, सबके आगे खड़ा रहूँगा। सीनियर सिटीजन में मैं एंट्री कर चुका हूँ, तो उसका फायदा लेंगे ना कुछ। तो इससे पहले जिस तरह से आपने सोशल वर्क करते हुए 60 साल को पूरा किया, तो आगे की किस तरह की सोच है कि जरूरतमंदों के लिए उनके साथ आगे भी आप खड़े रहेंगे? जितना भी मेहनत करना पड़ेगा उतनी हम करेंगे, सामाजिक बांधिल की जो हमारे साथ है, और पार्टी लेवल से भी हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तो सामाजिक काम तो करना ही है, जब उसके अंदर हम झुके तो वो करना जरूरी है। किस अंदाज में उनके जन्मदिन पे बधाई देना चाहेंगे आप? आज इतने साल उनके साथ बिताए, सुख दुख जो भी था, पॉलिटिक्स में कर्जदार जमींदार के जरिए हमने लोगों की सेवा करना है, एक परिवार को चलाना, ये सभी को साथ लेके आज यहाँ तक हमारी जर्नी पहुँची है। आगे अब कितने साल साथ में रहेंगे, बस जिए तब तक साथ में रहें। अशोक जी आज पूरे 60 साल के हो गए, यंग हो गए एकदम, 60 साल के जवान हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत आज मुझे बहुत खुशी का दिन है। मेरा भाई अशोक पांचल जी 60 साल के पूरा हो गए, सीनियर सिटीजन का कदम में कदम रखे चलने वाला, मेरे साथ मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे साथ मैं इस जिले का निरीक्षक हूँ, इस जिले का जिलाध्यक्ष है मेरा भाई अरशद अमीर जी है मेरे साथ, ये बम्बई का महासचिव है और इनको मैं बारला तालुका का निरीक्षक बनाया हूँ। मुझे बहुत खुशी है इनका काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका और पार्टी को बढ़ाने का, इसका दिल में रखा है कि पार्टी को बढ़ाना चाहिए, संगठनों को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने इस इलाके में रिक्शा चालक मालक, टैक्सी चालक मालक, उनका एक संगठन बनाया है। ये सब पार्टी को, संगठनों को बढ़ाने का चीज है। मैं इतना ही कहूँगा, आने वाला आगे इनको उम्र, इनका आयुष, उनको अच्छा तबीयत दे और संगठन के लिए इससे भी मजबूत काम करें, इतना ही भगवान से प्रार्थना करूँगा। और हमारा पार्टी का सर्वे सर्वा शरद पवार जी का कहना है, हम सबको बताया साथियों, आप लोग पॉलिटिक्स 20% करो, 80% सामाजिक काम करो, यही काम मांचल जी भी कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं इनको मेरा तरफ से, मेरा परिवार की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मध्य मुंबई जिला की तरफ से श्री अशोक पांचाल जी, जो मुंबई राष्ट्रवादी के महामंत्री हैं, उनके 60वें जन्मदिन पे पार्टी के पूरे यूनिट की तरफ से और जिला के निरीक्षक डॉक्टर पुजारी साहब की तरफ से, तालुका अध्यक्ष जितने हैं हमारे, उन सभी भैया जिलानी बाजू में बैठे बांद्रा के, इन सभी की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि 60 साल उम्र होने के बावजूद एक युवा की तरह
जैसे काम करते थे अशोक पंचाल जी, और तेज़ी से काम करेंगे। और इनके नेतृत्व में हमारे चांदीवली में पार्टी का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और कर्जदार जमींदार जो इनका संगठन है उसके माध्यम से टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और भी जो कर्ज लिए रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी मदद के लिए दिनों रात 24 घंटे अशोक भाई तो दौड़ते ही दौड़ते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी भाभी यामिनी भी उनके साथ वहाँ खड़ी रहती है। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनको सेहत तंदुरुस्ती बरकरार रखे और समाज की सेवा में इनकी ज़िंदगी जो चल रही है और तेज़ी से चले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। सर्वप्रथम मी सर्व पत्रकार परिषदेचे धन्यवाद बोलते, कारण बऱ्याच वेळेपासून तुम्ही जे आम्हाला प्रोत्साहित करताय त्याच्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद बोलते। आणि मी स्वतः मनीषा गायकवाड या पुण्यामधून आलेलो आहोत। अशोक पंचाळ सरांना खास मी आम्ही सगळं आमचं आत्मनिर्भर रुरल डेव्हलपमेंटचे आमचे सगळे अध्यक्ष, सगळा जो आमचा डायरेक्टर, मी स्वतः डायरेक्टर, आमचा सगळा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सगळे महिला गट आलेले आहेत। काही जणांना काही अडचणी आल्यात म्हणून ते इथं पोचलेले नाही आहे। मग सर्वजण आम्ही फक्त अशोक सरांसाठी आलेलो आहे। अशोक सर आमच्यासाठी गुरुच्या दर्जासारखे आहेत। अशोक सरांनी आमच्या आत्मनिर्भर रुरल डेव्हलपमेंटसाठी बरंचसं काही त्यांनी आम्हाला सपोर्ट करण्याचं सांगितलं। जसं ते कर्जदारमध्ये काही लोक स्वतःची आत्महत्या करतात किंवा कर्जात डुबलेले आहेत, त्यांचे प्रश्न सोडवत नाही आहेत, असं पण आमच्या संस्थेमध्ये कोणी आलं तर खऱ्या मोठ्या अर्थाने आम्ही अशोक सरांचा सल्ला घेतो आणि ताईंचा सल्ला घेतो आणि त्या दृष्टीने आम्ही काम करतो। त्यांचं सहकार्य आम्हाला फार फार छान प्रमाणात लागतं। माझ्या त्यांना खूप सारे शुभेच्छा आहेत वाढदिवसाच्या आणि त्यांचं नेहमी आमच्यावरती साथ राहावं आणि त्यांना उदंड आयुष्याची मी प्रार्थना करते। हीच मी एवढंच बोलून इथं थांबते। आज अशोक जी के जन्मदिन पर क्या बधाई देना चाहेंगे? वो 60 साल के हो चुके हैं लेकिन उनके जोश को देखकर क्या लगता है, क्या वो अभी भी युवती है? मुझे तो ये लगता है उनके 60 साल की उम्र नहीं हो गई है, अभी 60 कम हो गई है। जो जोश उनके अंदर है और जो हम पूना से उनको विश करने के लिए आए हैं और हम यही चाहेंगे कि वो ऐसे ही इसी तरीके से हमारे लिए वो काम करें। और हमेशा आधी रात में भी बोलेंगे कि हम लोगों ने पूना से मुंबई में बोला सर हमारे को ये काम है, तो सर आधी रात में हमारे लिए बोलते हैं मैडम हम आ रहे हैं पूना, अभी आ रहे हैं आपके लिए। तो हमको तो लगता ही है एनी टाइम सर के लिए हमेशा हम रहेंगे। और हमको बहुत अच्छा लगा सर आपने हमको यहाँ पर बुलाया और हमसे जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैडम सर हम लोग हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे।